नमस्कार दोस्तों, मिलेनियर मास्टर्स के भाग दो में आपका स्वागत है। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें आप धनवान कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो आप सिर्फ 5% लोगों को कामयाब लोगों की संज्ञा दे सकते हैं। सवाल यह है कि ये 5% लोग कौन है, कहां से आए और सिर्फ 5% लोग ही क्यों अमीर हैं? आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 95% लोग औसत परिवारों से निकल के आए। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, यानी कि रईस परिवारों में पैदा हुए। आप अपने आसपास जितने भी कामयाब लोग जिनके नाम आप जानते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, आप गूगल पर जाकर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये सब लोग बिल्कुल जमीन से उठकर ऊपर पहुंचे। आप धीरूभाई अंबानी की बात करिए, आप हल्दीराम वाले की बात करिए, आप बीकानेर वाले की बात करिए, आप पेटीएम के विजय शेखर शर्मा की बात करिए, आप एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब की बात करिए, आप फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की बात करिए, ये सब लोग कौन है और कहां से आए? ये सब लोग नीचे से उठकर, जमीन से उठकर आकाश में पहुंचे। आज हमें समझना ये है आखिर इन लोगों में ऐसा क्या अलग था, कैसे ये जमीन से उठकर ऊपर पहुंच गए और बाकी 95% लोग जीवन भर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। भगवान ने इनको भी दो हाथ दिए, हमको भी दो हाथ दिए, इनको भी दो आंखें दिए, हमको भी दो आंखें दिए, हमको भी वही शरीर दिया, इनको भी वही शरीर दिया, इनको भी काम करने के लिए 40 वर्ष मिले, हमें भी काम करने के लिए 40 वर्ष मिले, इनके भी एक दिन में 24 घंटे हैं और हमारे भी एक दिन में 24 घंटे। फिर कैसे ये लोग आकाश की बुलंदियों को छू गए और हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं? चलिए आज इस राज और रहस्य पे पर्दा उठाते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने का रहस्य जानना चाहते हैं, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम लोग पैसा कमाते कैसे। दोस्तों, हम सब लोग अपनी स्किल और अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। अब ये स्किल क्या होती है? अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी उसकी स्किल है, अगर कोई सेल्समैन है तो सेल्समैनशिप उसकी स्किल है। हमारे स्किल के स्तर से हमारे समय की कीमत तय होती है। हम सब लोग अपनी स्किल और टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों, पैसा दो तरीके से कमाया जाता है, एक होती है लीनियर इनकम और एक होती है लेवरेज इनकम। अब ये लीनियर इनकम क्या है और लेवरेज इनकम क्या है? लीनियर इनकम में हम खुद काम करते हैं और अपना समय और अपनी स्किल को सेल करके पैसा कमाते हैं। लेवरेज इनकम में बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं और उनकी स्किल और टाइम से हम अपना टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको एक परिवार से मिलाता हूं, मिस्टर गिरीश, उनकी पत्नी संगीता और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा मयंक जो 5वीं क्लास में पढ़ता है और छोटी बेटी रेखा जो 3री क्लास में पढ़ती है। यह पूरा परिवार एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में किराए पर रहता है। गिरीश शहर के जाने माने स्कूटर के शोरूम लूथरा स्कूटर पर जॉब करते हैं। ये हफ्ते में 6 दिन और महीने के 25 दिन 8 घंटे रोज लूथरा स्कूटर पर जॉब करते हैं और इसके लिए मिस्टर लूथरा इनको 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं। चलिए मिस्टर गिरीश के स्किल और समय की कीमत कैलकुलेट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिरीश महीने में कितने घंटे काम करते हैं? अगर महीने में वो 25 दिन और रोज 8 घंटे काम करते हैं तो अगर मैं 25 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 200 घंटे। तो गिरीश हर महीने लूथरा स्कूटर पर 200 घंटे काम करते हैं जिसके बदले उन्हें 20,000 रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से उनके 1 घंटे की कीमत हुई, अगर मैं 20,000 को डिवाइड करूं 200 से तो ये हुई 100 रुपए। यानी कि मिस्टर गिरीश अपनी सेल्समैन स्किल और अपना समय
मिस्टर लूथरा को 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से बेचते हैं। इस 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह में गरीश और संगीता जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गरीश और संगीता के कोई सपने नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, जैसे आपके सपने हैं, मेरे सपने हैं, गरीश और संगीता के भी कुछ सपने हैं। चलिए एक बार इनके सपनों पे गौर फरमाते हैं। गरीश और संगीता का सपना है कि उनके शहर में एक छोटी सी कॉलोनी है सीतापुरी, उस कॉलोनी में उनका एक छोटा सा घर हो। आज उस घर की कीमत है लगभग 20 लाख रुपए। उनका एक और सपना है कि उनके पास काश एक छोटी सी कार, और उस कार की कीमत है 5 लाख रुपए। इसके अलावा गरीश और संगीता के दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। उनका ख्वाब है कि बड़े होकर वो उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाए, यानी उनको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना है। उसके लिए भी उन्हें 10 लाख रुपए की आवश्यकता। दोनों बच्चों की शादियां भी करनी है, और आप सब जानते हैं आज की डेट में एक शादी का खर्च कम से कम 10 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें अपने बुढ़ापे की भी चिंता है, वो अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे जोड़ना चाहते हैं। अगर आप गरीश और संगीता के इन सपनों पर गौर करें और सोचें कि अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो आज की डेट में उनके पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर उन्हें छोटा सा घर खरीदना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, और अगर वो इस घर को लोन पर लेते हैं तो कम से कम 20,000 रुपए की किस्त इस घर की बनेगी। अगर उन्हें छोटी सी कार खरीदनी है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है तो उसकी किस्त बनेगी कम से कम 7,000 रुपए। अगर दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए उन्हें पैसा जोड़ना है तो उसके लिए उन्हें कम से कम 30,000 रुपए महीने की सेविंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें 5,000 रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी। अगर आप इन सब पैसों को टोटल करेंगे तो गरीश और संगीता को कम से कम 80,000 रुपए महीना चाहिए, लेकिन आज उनकी तनख्वाह है 20,000 रुपए। अब गरीश और संगीता के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन यह है कि वो अपने सपनों को दफन कर दें और इसके बारे में सोचना बंद कर दें। दूसरी ऑप्शन यह है कि वो किसी तरह से अपनी इनकम को बढ़ाए। आज गरीश की तनख्वाह है 20,000 रुपए, संगीता होम मेकर है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके पास अपनी इनकम को बढ़ाने के क्या क्या विकल्प मौजूद है? ज्यादातर जॉब क्लास फैमिलीज के पास 2-3 विकल्प ही होते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। गरीश के पास पहला विकल्प है कि वो पार्ट टाइम जॉब करे। दूसरी उम्मीद जो गरीश को है वो ये है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा विकल्प उनके पास है कि संगीता भी घर के कामों से समय निकालकर कोई काम करे। चलिए एक एक करके तीनों विकल्पों पे गौर करते हैं। पहला विकल्प है कि गरीश पार्ट टाइम जॉब करे। हमने देखा था कि गरीश के 1 घंटे की कीमत है 100 रुपए। वो पहले से ही 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने घंटे वो पार्ट टाइम काम और कर सकते हैं? मान लेते हैं गरीश ने ये सोचा कि वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे और महीने के 25 दिन काम करेंगे। क्या आप मुझे गरीश की नई इनकम बता सकते हैं? अगर आप 25 दिनों को 12 घंटों से मल्टीप्लाई करें और उसको 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि गरीश की नई इनकम होगी 30,000 रुपए महीना। क्या हम 80,000 रुपए तक पहुंचे दोस्तों? नहीं पहुंचे। अब दूसरी ऑप्शन पे बात करते हैं। दूसरी उम्मीद जो गरीश की वो है कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादातर कंपनियों पर नजर मारें तो जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट करती हैं उसके बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉय की अधिकतम 1 साल में 10% तनख्वाह बढ़ाती है। अगर गरीश की भी 10% तनख्वाह बढ़ जाए तो ये तनख्वाह 30,000 से 33,000 रुपए हो जाएगी। क्या हम 80,000 रुपए तक पहुंचे दोस्तों? नहीं पहुंचे। अब हम तीसरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि संगीता अपने घर के कामों से फुर्सत निकालकर कोई पार्ट टाइम काम करे। क्या आपको लगता है कि संगीता के पार्ट टाइम काम करने से ये लोग अपने 80,000 के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे? तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि उत्तर है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि गरीश और संगीता कितना भी हार्डवर्क कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वो अपने 80,000 के लक्ष्य को नहीं छू सकते। यह कहानी सिर्फ गरीश और संगीता की नहीं है, यह हम में से बहुत सारे लोगों की कहानी है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है दोस्तों
कि ये लोग लीनियर इनकम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम सब लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, और समय के साथ समस्या ये है कि हम सबके पास समय लिमिटेड है। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। अगर गिरीश 24 के 24 घंटे भी काम कर ले तो वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। फिर अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी क्या है? अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी है लेवरेज इनकम। अब ये लेवरेज इनकम क्या होती है, इसको भी मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। उसके लिए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनके ये सारे सपने पूरे हुए, जिसके पास अपना घर भी है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, जिसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसको अपने बुढ़ापे की भी चिंता नहीं है। चलिए ऐसे एक व्यक्ति से मिलते हैं, और इस व्यक्ति का नाम है मिस्टर लूथरा। जी हाँ, मिस्टर लूथरा गिरीश के बॉस। मिस्टर लूथरा के शोरूम में गिरीश जैसे 30 सेल्समैन काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गिरीश के काम करने से मिस्टर लूथरा को कम कितना फायदा होता होगा कि वो उसे 20,000 रुपए की तनख्वाह देते होंगे? वैसे तो ये फायदा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, मान लेते हैं डबल होता है। दूसरे शब्दों में, अगर गिरीश उनके शोरूम पे काम करते हैं और उनके काम करने की वजह से मिस्टर लूथरा को कम से कम 40,000 रुपए का फायदा होता है, तो वो उस 40,000 में से 20,000 गिरीश को बतौर तनख्वाह देते हैं और 20,000 रुपए अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिरीश दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे अपने लिए काम करते हैं और 4 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। यानी महीने में गिरीश अगर 200 घंटे काम करते हैं तो 100 घंटे अपने लिए काम करते हैं और 100 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। गिरीश जैसे 30 सेल्समैन 100 घंटे अपने लिए और 100 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें तो मिस्टर लूथरा के लिए एक महीने में कितने घंटे काम होता है? 30 एम्प्लॉय को अगर मैं 100 घंटों से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है 3,000 घंटे। यानी कि मिस्टर लूथरा के लिए एक महीने में 3,000 घंटे काम होता है और हर घंटे की कीमत है 100 रुपए। अब मैं इन 3,000 घंटों को 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिस्टर लूथरा की शुद्ध कमाई होती है 3,00,000 रुपए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मिस्टर लूथरा 3,00,000 रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं? मिस्टर लूथरा ने दूसरों के एफर्ट से अपने समय को मल्टीप्लाई किया है। जब आपके लिए ऐसे लोग काम करते हैं जो अपने लिए भी काम करते हैं और आपके लिए भी काम करते हैं, उससे आपके समय का गुणन होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, समय ही पैसा है। जब तक आप अपने समय को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। और यही लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मिस्टर लूथरा लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने नीचे 30 एम्प्लॉय रखे हैं और उन 30 एम्प्लॉय से वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, क्या मिस्टर लूथरा 3,00,000 रुपए महीना से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? तो आंसर है यस। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है। अभी वो एक शोरूम चलाते हैं, दूसरे शहर में एक और शोरूम खोल लें, वहां भी 30 एम्प्लॉय रखें। तीसरे शहर में एक और शोरूम खोल लें, वहां भी 30 एम्प्लॉय रखें। जैसे जैसे वो शोरूम खोलते जाएंगे, जैसे जैसे वो एम्प्लॉय बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उनका टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा और वैसे वैसे उनकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती जाएगी। यही है दोस्तों लेवरेज इनकम। तो जिन भी रईस लोगों को आप देखते हैं, जिन भी धनवान लोगों को आप देखते हैं, जिन लोगों ने भी खूब सारा पैसा कमाया है, उन्होंने इसी सिद्धांत पे ही पैसा कमाया है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से लेवरेज इनकम की पावर को समझाता हूं। अब मैं आपको मिलाता हूं गोपाल जी से। गोपाल जी एक रिटेलर है जो एक किराना स्टोर चलाते हैं। गिरीश जी हर महीने इनकी दुकान से अपने घर के लिए लगभग 3,000 रुपए का राशन लेते हैं। मान लीजिए गोपाल जी के पास गिरीश जी जैसे 100 कस्टमर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं गोपाल जी की मंथली टर्नओवर क्या होगी? अगर हर कस्टमर 3,000 का सामान लेता है और मैं 100 को 3,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 3,00,000 रुपए। यानी गोपाल जी की मासिक टर्नओवर है 3,00,000 रुपए। अगर गोपाल जी को लगभग 15% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल जी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 3,00,000 का 15%
ये होता है 45,000 रुपए। दोस्तों ये 45,000 रुपए गोपाल जी का लीनियर इनकम है, क्योंकि वो अपनी दुकान पर अकेले काम करते हैं। गोपाल जी अपनी दुकान का माल गुप्ता एंड सन्स नाम के होलसेलर से लाते हैं, जिसके मालिक हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी के पास गोपाल जी जैसे 10 रिटेलर अपनी अपनी दुकान का सामान खरीदने आते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि गुप्ता जी का मासिक टर्नओवर क्या होगा? गोपाल जी का मासिक टर्नओवर है 3 लाख रुपए, और गोपाल जी जैसे 10 रिटेलर उनके पास आते हैं गुप्ता जी के पास, तो इस हिसाब से गुप्ता जी का मासिक टर्नओवर होगा 30 लाख रुपए। मान लीजिए गुप्ता जी का होलसेलर मार्जिन है 10%, तो 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख रुपए। तो गुप्ता जी की इनकम कितनी हुई? 3 लाख रुपए। गुप्ता जी यहाँ पर लेवरेज इनकम कर रहे हैं। उनके आगे 10 रिटेलर है और उन्होंने अपने समय को इन 10 रिटेलर से मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से उनकी इनकम 3 लाख रुपए है, जो कि गोपाल किराना स्टोर से ज्यादा है। गुप्ता जी अपना माल कहां से खरीदते हैं? पोपली ब्रदर नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर से। पोपली ब्रदर एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है और गुप्ता जी जैसे 10 होलसेलर को अपना माल सप्लाई करते हैं, और हर होलसेलर के पास 10 रिटेलर है और हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर है। तो क्या आप बता सकते हैं मिस्टर पोपली कितने कस्टमर को डील करते हैं? 10 × 10 × 100, यानी कि मिस्टर पोपली 10,000 कस्टमर को अपना माल सप्लाई करते हैं। अगर हर कस्टमर 3,000 रुपए का सामान खरीदता है तो मिस्टर पोपली की 3 करोड़ रुपए की टर्नओवर होती है। अगर मिस्टर पोपली का मार्जिन 5% है तो मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप फिर से सोचिए कि मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को 10 होलसेलर और 100 रिटेलर की मदद से मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो 10,000 कस्टमर को माल सप्लाई कर पा रहे हैं। क्या मिस्टर पोपली अकेले 10,000 कस्टमर को माल सप्लाई कर सकते थे? नहीं। दूसरा सवाल, क्या मिस्टर पोपली अपनी इनकम 15 लाख को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने होलसेलर की संख्या को बढ़ाना है। आज वो 10 हैं, फिर 11 करने हैं, फिर 12 करने हैं। 10 होलसेलर की वजह से मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, यानी एक होलसेलर से लगभग 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे वो होलसेलर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे 1.5 लाख रुपया प्रति होलसेलर उनका बढ़ता जाएगा। और यही दोस्तों लेवरेज इनकम की पावर है। आप जैसे जैसे अपना समय मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, उन लोगों की संख्या जो आपके लिए काम करेंगे, वैसे वैसे आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा और वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि अगर गिरीश अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो लेवरेज के सिद्धांत पे काम करता हो। अब आप ये कहेंगे कि भला ऐसा काम कहां मिलेगा, क्योंकि लेवरेज इनकम पे बेस काम करना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। चलो ये भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए गिरीश गुप्ता जी की तरह एक होलसेलर बनने का फैसला करता है। वो ये सोचता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और नौकरी छोड़कर मैं भी गुप्ता जी की तरह होलसेलर बनूंगा। तो देखते हैं, अगर हमें गुप्ता जी की तरह होलसेलर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें एक होलसेल मार्केट में दुकान चाहिए होगी। अगर होलसेल मार्केट में उस शहर में आप किराए की दुकान लेने जाएंगे तो कम से कम किराया होगा 20,000 रुपए महीना। और हमें क्या करना पड़ेगा? और हमें एक गोदाम किराए पे लेना पड़ेगा जहां आप अपना माल स्टॉक करेंगे, क्योंकि आप होलसेल का काम करने जा रहे हैं, तो कम से कम 5,000 रुपए महीना उस गोदाम का किराया होगा। इसके अलावा हमें माल भरने के लिए पैसे चाहिए। अब ये निर्भर करता है आपके साथ कितने रिटेलर जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा रिटेलर की संख्या आपके साथ जुड़ी हुई है, उतना ज्यादा आपको माल स्टॉक करना पड़ेगा। पर शुरुआत के लिए मैं कहता हूं आपको 10 से 12 लाख रुपए का माल स्टॉक करना पड़ेगा। इसके अलावा गिरीश जी को अपनी दुकान पर एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, जिसका खर्चा आएगा लगभग 30,000 रुपए महीना। दुकान के ओवरहेड्स जैसे कि बिजली,
पानी, फोन, चाय, कॉफी, इसका भी खर्चा आएगा लगभग 4,000 रुपये महीना। लीगल फीस जैसे जीएसटी का वकील, एफएसएसएआई का लाइसेंस की फीस, सीए इत्यादि, लगभग 1,000 रुपये महीने के आसपास इसका भी खर्चा आएगा। अगर आप इन सब खर्चों को जोड़ दें तो 12 लाख रुपए माल के और 60,000 रुपये महीना दुकान का रनिंग एक्सपेंस आएगा। अब मेरा ये सवाल है दोस्तों, क्या गणेश जी के पास 12-15 लाख रुपए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हैं? तो आंसर है नहीं। तो फिर वो 12-15 लाख रुपए कहां से लाएंगे? निसंदेह अगर उन्हें होलसेलर का बिजनेस करना है तो उसके लिए उन्हें 12 लाख रुपए कर्जे पर उठाने पड़ेंगे। सवाल ये है कि 12 लाख रुपए का कर्जा उठाकर गरीब जी ऐसा बिजनेस करने का जोखिम उठाएंगे जिसका रनिंग एक्सपेंस 60,000 रुपये महीना है? तो उत्तर है नहीं। आखिर गरीब जी की क्या शंकाएं हैं, क्या डर है, क्यों वो ये जोखिम नहीं उठाएंगे? दोस्तों, कोई भी नया बिजनेस करना हो, हमारे मन में उसको लेकर कई तरह के डर होते हैं। जैसे इस केस में माल कहाँ से लाना है, कितना मार्जिन रखना है, दुकान कैसे चलानी है, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, कंपटीशन का डर। पुराने और अनुभवी होलसेलर से कंपटीशन करना आसान नहीं है। नए रिटेलर जोड़ने के लिए हमें उन्हें ज्यादा मार्जिन और यहां तक कि उधार ऑफर करना पड़ सकता है, और उधार देना कितना जोखिम भरा काम है आप सब जानते हैं। मन में कई तरह के डर होते हैं, अगर बिजनेस ना चला तो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कैसे उतरेगा। और सबसे बड़ी बात, इस काम को करने के लिए गणेश को अपनी चलती चलाई नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर काम ना चला तो पता नहीं दोबारा नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसे अनगिनत डर गणेश को बिजनेस करने की और ऐसा जोखिम उठाने की इजाजत नहीं देते हैं। मेरा सवाल है कि क्या गणेश जी के ये डर जायज हैं? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल जायज है। रिस्क लेना चाहिए, मगर कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। उनकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से वो घर चला रहे हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ दें और कर्जा ले लें और इतना बड़ा जोखिम लें, ये कोई आसान काम नहीं। और यही सारे डर हम जैसे लोगों को कभी भी लीनियर इनकम से लेवरेज इनकम पर शिफ्ट नहीं होने देते, कभी नौकरी छोड़कर बिजनेस की हिम्मत नहीं करने देते, और यही सारे डर हमें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने नहीं देते। तो सवाल ये है कि क्या गणेश जी के पास अपने सपने पूरे करने का कोई विकल्प नहीं है? कोई ऐसा काम नहीं है जहां इस तरह के डर ना हो, जहां हमें अपनी नौकरी ना छोड़नी पड़े, जहां हमें कोई कर्ज ना लेना पड़े, जहां कहीं परिवार को रिस्क पे ना लगाना पड़े, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम लोग लीनियर इनकम से लेवरेज इनकम पर शिफ्ट हो सकें, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, हम भी अपनी इनकम बढ़ा सकें? तो खुशखबरी ये है दोस्तों कि एक विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है गैलवे। गैलवे वो बिजनेस है जिसमें ये सारी संभावनाएं हैं, जहां आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पर बेस एक शानदार बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल पर काम करके आप अपनी इनकम को जितना चाहें उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपना सेकंड पार्ट यहीं खत्म करता हूं। भाग 3 में मैं आपको गैलवे बिजनेस मॉडल को समझाऊंगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे गैलवे बिजनेस मॉडल वो मॉडल है जिसमें लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है और आप सिर्फ मेहनत के दम पर उस मॉडल से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सारे ख्वाब पूरा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे भाग की ओर।